अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा और एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आप लोग जानते हो फुल में प्रैंक का न्यू सीजन स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर आप लोग मेरा स्कोर भी देख रहे हो और अभी तक एक दिन भी नहीं हुआ है। और यहाँ पर मेरा जो जोन पुश कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है डिमिट्री, मैगजीम, मिशा कैरेक्टर और सबसे ज़्यादा बेहतर कैरेक्टर सोनिया कैरेक्टर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर फुल फिल यहाँ पर जोन पुश कैरेक्टर कॉम्बिनेशन नहीं है, फिर भी यहाँ पर आप लोगों को दिखा दूंगा ये वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लेके कैसे आप लोग जोन पुश भी दोगे और बहुत अच्छा खासा प्लस भी ले आ पाओगे। तो चलो बिना किसी देर के आज का वीडियो शुरू किया जाए। तो भाई लोग पहले आते हैं लैंडिंग। तो आप लोगों को ऑल टाइम ऐसा जगह पर लैंडिंग करना है जहाँ पर मिलेगा बहुत सारा एनिमी, बहुत सारा लूट और बहुत सारा कार भागने के लिए, ठीक है। तो भाई लोग आप लोग यहाँ पर मिल, शिपयार्ड, बुजली, ऑब्जर्वेटरी और यहाँ पर पीक पे लैंडिंग कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर पीक पे लैंडिंग कर रहा हूँ और आप लोगों का ऑल टाइम टारगेट रहेगा भाई, जो टाइम लिमिटेशन है रिवाइव लेने का, वो ऑल टाइम के अंदर आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर भाई 2 किल करना है। तो यहाँ पर हम लोगों का टारगेट है लैंडिंग करने के बाद हम लोग रिवाइव लेने का जो टाइम है उसके अंदर हम लोग जल्दी से जल्दी 2 किल निकलेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को और एक टिप्स दे देता हूँ, आप लोग पीक पे लैंडिंग करोगे तो आप लोगों को जल्दी से जल्दी क्या करना है, अंदर चले जाना है, एकदम घर के अंदर चले जाना है और वहाँ से आप लोगों को जल्दी से जल्दी शॉर्ट रेंज का गन ढूंढना है, ठीक है। शॉर्ट रेंज का गन नहीं मिलेगा तो आप लोगों को अच्छा खासा किल भी नहीं मिलेगा, आप लोग अच्छे से एनिमी के साथ फाइट भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को शॉर्ट रेंज का गन मिल गया है तो अभी मैं जल्दी से जल्दी जाऊंगा फाइट के लिए, क्योंकि भाई टाइम लिमिटेशन जो होता है भाई रिवाइव लेने का वो बहुत ही कम टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो बंदा फाइट कर रहा था, देखते हैं किल मिलता है नहीं है। तो वुकोंग बन रहा था तो ये वाला बंदा को यहाँ पर मैं डिमिट्री भी यूज़ कर दिया और यहाँ पर भाई सोनिया कैरेक्टर ओपी भाई, वो वाला बंदा भी सोनिया कैरेक्टर से मेरे को मार दिया था, मैं खुद भी उसको सोनिया कैरेक्टर से मार दिया। तो यहाँ पर और एक किल देखते हैं मिलते हैं या नहीं। तो ये वाला बंदा को भी भाई बहुत ही कम डैमेज से भाई मार दिया और यहाँ पर देख रहे हो भाई रिवाइव लेने का जो टाइम है भाई वो बहुत ही जल्दी ख़त्म होगा। तो अभी क्या करेंगे भाई, यहाँ पर ये वाला एनिमी के साथ फाइट करेंगे, डू और डाई, एकदम देखते हैं किल कर पाते या नहीं। बट यहाँ पर ये वाला बंदा का सोनिया भाई हम लोगों को ख़त्म कर दिया। तो कोई बात नहीं, हम लोगों का टारगेट तो फुलफिल हो गया है, हम लोगों का 2 किल टारगेट था, हम लोगों को 2 किल मिल गया है। तो हम लोग अभी पीक से भाई बहुत ही दूर चला जाएंगे, ठीक है। देखते हैं, तो यहाँ पर मैं चला जाऊँगा यहाँ पर कोतातुआ में और यहाँ पर हम लोगों को कार तो मिल ही जाएगा ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि इस साइड में भी एक कार रहते ही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से भाई जो लूट मिले भाई जल्दी जल्दी लूट कर लेंगे। हम लोगों को लूट करने का जो टाइम है भाई वो रहेगा कि फर्स्ट जोन तक हम लोगों को लूट करना है, मतलब फर्स्ट जोन क्लोज होने के आगे जल्दी जल्दी भाई जो मिले भाई हम लोगों को लूट कर लेना है, फिर हम लोगों को जल्दी से जल्दी कार पे चले जाना है भाई, ठीक है। तो पहले कॉन्फर्म कर लेना है भाई आसपास कोई कार है या नहीं, नहीं तो आप लोगों को और भी बहुत ही ज़्यादा सेफ खेलना है। यहाँ पर आप लोगों को और एक चीज़ बता देता हूँ, वो है भाई गान कॉम्बिनेशन, आप लोगों को कौन सा टाइप का गान लेना है। आप लोगों को ऐसा टाइप का गान लेना है जो वाला गान बहुत ही ज़्यादा डैमेज देता है भाई, बहुत ही कम गोली में आप लोग एनिमी को मार सकते हो, ऐसा गान ही आप लोगों को लेना है, ठीक है। जैसे कि आप लोग लॉन्ग रेंज में ड्रैगन ओप, SKS, फिर यहाँ पर AC-80 का यूज़ कर सकते हो और शॉर्ट रेंज में बोलो तो यहाँ पर भाई M10 का एकदम यूज़ मत करो भाई, वो वाला गन मैक्स भी हो जाएगा तो भाई वो वाला गन को एकदम यूज़ मत करो भाई। तो शॉर्ट रेंज में आप लोग प्रोगन यूज़ कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है। फिर यहाँ पर आप लोग MP40 अच्छा चलाते हो तो आपका मोबाइल का क्वालिटी अच्छा है तो भाई SMG गन का यूज़ कर सकते हो। तो भाई लोग फर्स्ट जोन जैसे ही क्लोज हो जाएगा हम लोगों का लूट टाइम ख़त्म, ठीक है। यहाँ पर जो भी लूट मिला है, ठीक है, यहाँ पर तो हम लोग इतना अच्छा जगह पर लैंडिंग नहीं किया है, मतलब दूसरा बार जब लैंडिंग किया इतना अच्छा जगह पर लैंडिंग नहीं किया इसलिए अच्छा खासा लूट भी नहीं मिला। तो हम लोगों को क्या करना है भाई, हम लोगों का टाइम तो ख़त्म हो गया है, मतलब फर्स्ट जोन एकदम फुल क्लोज हो जाएगा तो हम लोगों का लूट करना एकदम बंद कर देना है। हम लोगों को जो कार मिलेगा भाई वो वाला कार से टाइम पास करते रहना है। हम लोगों को अच्छा खासा कार नहीं मिलेगा तो, मतलब बाइक नहीं मिलेगा तो, जो कार मिलेगा भाई वो वाला कार से हम लोगों को बाइक ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को फर्स्ट चांस में यहाँ पर बाइक मिल गया है। हम लोग अभी क्या करेंगे, सेकेंड जो जोन है भाई वो क्लोज होने का टाइम जैसे स्टार्ट होगा भाई उतनी देर तक हम लोग यहाँ पर टाइम पास करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड जोन जैसे क्लोज होना स्टार्ट कर देगा हम लोगों को क्या करना है भाई, हम लोगों का आसपास मतलब जोन के अंदर कोई यहाँ पर वेंडिंग मशीन रहेगा तो भाई वहाँ पर जाके हम लोगों को यहाँ से मतलब फ्री में जो सुपर मेड किट मिलता है भाई वो ले लेना चाहिए और यहाँ पर उसके आसपास से भाई जल्दी से जल्दी भाई कुछ लूट कर लेना चाहिए। और हम लोगों के पास जो टोकन रहेगा भाई सब टोकन से हम लोगों को यहाँ पर इनलर
ले लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ सेंटोसा में, ठीक है। मेरे पास अभी तक तो 3 मेडिकिट है और एक मेडिकिट मेरे को मिल गया है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ भाई लोग, यहाँ पर आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर आप लोगों को मशरूम खा लेना है। आप लोगों का सामने जो भी मशरूम मिलेगा, मतलब जितना लेवल का भी मिले भाई, आप लोगों को जल्दी से जल्दी वाला मशरूम ले लेना है, क्योंकि भाई लोग आप लोगों को जोन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा मशरूम, ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड जोन में कुछ ज़्यादा ही हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बेंडिंग मशीन से जो लेना था हम लोग यहाँ पर ले लिया, तो हम लोगों का ये वाला मिशन भी ख़त्म। और यहाँ पर देख ही रहो कि थर्ड जोन क्लोज होने का टाइम भी यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अभी थर्ड जोन क्लोज होने स्टार्ट कर देगा तो हम लोग अभी जाएंगे जोन में, ठीक है। हम लोग क्या किया, फर्स्ट जोन में यहाँ पर तो ऐसे ही नॉर्मली लूट किया, फिर यहाँ पर सेकंड जोन में कार से टाइम पास किया, फिर थर्ड जोन मतलब एकदम क्लोज होने का आगे हम लोग क्या किया, जोन के अंदर जाके वेंडिंग मशीन से सुपर मेडिकिट ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही थर्ड जोन स्टार्ट हो गया हम लोग अभी जोन के अंदर चले जाएंगे, ठीक है, मतलब सेफ जोन में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग जा पाते हैं या नहीं, तो हम लोगों के पास बहुत सारा इनहेलर है भाई, इनहेलर से भाई बहुत दूर चला जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास जो टोकन था भाई वाला टोकन से यहाँ पर मैं वेंडिंग मशीन से इनहेलर खरीद लिया था, ठीक है। इनहेलर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प भी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को एक भी मेडिकिट नहीं लगा अभी तक, मतलब फर्स्ट में तो एक मेडिकिट यूज़ किया था जब बेंडिंग मशीन में गया था, बट यहाँ पर जोन के मतलब सेफ जोन में जब जा रहा हूँ अभी तक एक भी मेडिकिट यूज़ नहीं किया, ओनली इनहेलर से ही भाई यहाँ पर ऑलरेडी मैं जोन के अंदर ज़रूर से ज़रूर चला जाऊँगा। और यहाँ पर सामने मेरे को एक बंदा दिख रहा है, तो ये वाला बंदा को मैं धक्का मारने का ट्राई किया बट धक्का नहीं मार पाया। तो यहाँ पर फर्स्ट मेडिकिट आएगा बोल सकते हो, अभी जोन के अंदर भी आ गया हूँ, ठीक है। अभी मैं सेफ जोन में हूँ और अभी 12 बंदा बच्चे हैं, देखते ही ये वाला बंदा को कुछ भी करके मार पाते हैं या नहीं। तो पहले एक धक्का मारूंगा और ये वाला बंदा को अभी कर देंगे ख़त्म। तो बहुत ही ज़्यादा डैमेज तो दे दिया और थोड़ा डैमेज दे देंगे तो ये वाला बंदा ख़त्म हो जाएगा। तो और उसके साथ हम लोगों का 3 किल मिल गया और हम लोगों को जल्दी से जल्दी यहाँ से अभी भागना है। और ये वाला बंदा के पास बहुत ही ज़्यादा लूट है, तो जल्दी से जल्दी ये वाला बंदा के पास से लूट करके ये वाला जगह को अभी अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो सामने एक एनिमी है, उसके साथ अभी फाइट नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पर कार लेके यहाँ से भाग जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोगों का ऑलरेडी 3 किल मिल गया है, टॉप कर लेंगे तो मतलब टॉप 5 में चले जाएंगे तो अच्छा खासा प्लस मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई लोग यहाँ पर हम लोग बहुत ही ज़्यादा टाइम पास कर लिया और यहाँ पर जोन बहुत ही ज़्यादा छोटा भी हो गया था, इसलिए भाई सब मिल के भाई मेरा कार कोई भाई डैमेज दे रहा था और मेरा कार खत्म। तो भाई लोग यहाँ पर मैं नॉर्मली जितने भी जोन पुश का वीडियो दिया भाई आप लोगों को ऑल मैच में भाई यहाँ पर मैं के कैरेक्टर का यूज़ किया और अभी के टाइम भाई यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है डिमिट्री कैरेक्टर का। यहाँ पर ये वाला मैच में तो आप लोगों को यूज़ देखने को नहीं मिलेगा, फिर भी भाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर डिमिट्री कैरेक्टर का यूज़ करना चाहिए और उसके साथ सोनिया कैरेक्टर का, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर मतलब के कैरेक्टर के साथ फिर से जोन पुश देखना चाहते हो तो ज़रूर से ज़रूर मेरे को बताना, ठीक है। के कैरेक्टर से ऐसे भी भाई बहुत देर तक जोन में हम लोग रुक सकते हैं, बट यहाँ पर डिमिट्री कैरेक्टर से इतना ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते, ठीक है। आप लोगों ने देखा कि भाई यहाँ पर हाफ जोन पुश दिया, हाफ नॉर्मल पुश दिया, ठीक है, मतलब नॉर्मली खेला, ठीक है। तो आप लोग भी यहाँ पर डिमिट्री से यहाँ पर जोन पुश देके खेलना चाहते हो तो मैं जो स्ट्रेटेजी यूज़ किया आप लोग भी यूज़ कर सकते हो, आप लोगों को आर्मेस में भाई प्लस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। फिर भी भाई अभी तक भी भाई जोन पुश करना चाहता है तो भाई के कैरेक्टर ही अभी भी बेस्ट है, ठीक है। के कैरेक्टर होता तो भाई मतलब और भी ज़्यादा देर तक मैं जोन में रुक सकते थे। तो और कोई वीडियो में मैं फिर से जोन पुश करके दिखाऊंगा भाई के कैरेक्टर से। तो यहाँ पर मैं तो फुल्ली फंस गया हूँ, ठीक है। तो ये वाला मैं इसमें डिमिट्री का यूज़ भी नहीं कर पाई इतना अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा हेल्थ तो जल्दी से जल्दी अभी फुल हो जा भाई, बट मैं फुल हेल्थ नहीं कर पाया और ये वाला बंदा मेरे को ख़त्म कर दिया और मैं डिमिट्री से बाहर हो गया, कुछ ज़्यादा ही गलती कर दिया, नहीं तो अभी ज़रूर से ज़रूर रिवाइव मैं ले पाता, ठीक है। डिमिट्री से बाहर हो गया इसलिए अभी ख़त्म हो गया और क्या कर सकते। फिर भी भाई टॉप 3 में चला गया, अच्छा खासा प्लस मिल गया, 31 प्लस मिल गया। तो मेरा पुश अभी भी जारी है, देखते हैं कितना दूर जा पाते हैं। और आप लोगों का रैंक स्कोर कितना है ज़रूर से ज़रूर बताना अभी, मतलब अभी तो 10 घंटा तक हुआ है, ठीक है, मतलब अभी भी एक दिन भी नहीं हुआ, 10 घंटा भी हुआ है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों का अभी कितना है ज़रूर से ज़रूर बताना, ठीक है। तो भाई लोग आज का वीडियो इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों के साथ और एक नए वीडियो में, तब तक सब लोग अच्छे से रहना और खुश रहना, बाय बाय।